हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्वेता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्राइड राइस। इसके लिए हमें चाहिए एक हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन, एक छोटा चम्मच एक टमाटर कटा हुआ, एक प्याज, एक शिमला मिर्च और एक गाजर। ये सारी चीज़ें बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई गर्म करना है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें करीबन 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा पक चुका है, तो हम इसमें कटे हुए हरी मिर्च और अदरक लहसुन कटे हुए डालेंगे। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसमें करीबन आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, जिससे कि प्याज अच्छे तरीके से पक जाए। प्याज बन गया है, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ध्यान दें, टमाटर सबसे बाद में डालना है। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। कुछ सेकंड तक इसे भूनेंगे। सारे वेजिटेबल्स भून गए हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें करीबन 2 चम्मच 2 कप पके हुए चावल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। करीबन आधा चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा वेज फ्राइड राइस। आप इसे एक बार ट्राई करें और हमें बताएं कैसा लगा आपको। तो आप देख सकते हैं हमारा वेज फ्राइड राइस तैयार है। इसलिए हमने रायते के साथ सर्व किया है और सलाद के साथ। हमने यहाँ भिंडी रायता बनाया है, आप कोई भी रायता यूज कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करें और हमें बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।